ई हैव डूंग वंडरफुल वंडरफुलर रिजल्ट ऑफकोर्स रिजल्ट रैंक्स विद द आउटस्टैंडिंग मार्क्स द रिजल्ट ऑल्सो हैज अनदर साइड विच इज लेस स्पोकन ऑफ दैट इज द स्टूडेंट्स विच आर अनेबल टू क्लियर इन दैट पर्टिकुलर अटैम्प्टो ऐसा है बेटा जी इट्स अ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस तो आपने सबसे पहली चीज जो करनी है राइट मैम एड्रेसिंग टू दो स्किट्स वी राइटिंग इट इन डिसंबर हु आर नॉट एबल टू क्लियर इन दिस रिजल्ट सबसे पहली चीज आपने खुद को यह समझाना है दैट इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस इट इज द पार्ट ऑफ द प्रोसेस इट इज अ मैनर इन विच विल बी ग्रूम्ड ऑफ इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस फर्स्ट थिंग एक्सेप्ट इट. सबसे पहली चीज एक चीज जो आपको करनी है दैट इज एक्सेप्ट दैट यू हैव फेल्ड एंड नाउ यू हैव टू स्टार्ट अ फ्रेश जब तक आप वो चीज एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव रिसीव्ड हंड्रेड्स ऑफ मैसेजेस मतलब ऑफ दो स्टूडेंट्स दूड्स क्लियर दो स्टूडेंट्स दूडेंट्स नॉट एबल टू क्लियर आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिप्लाई आई एम येट नॉट एबल टू रिप्लाई टू दो स्क बट विद वीडियो आई वॉन्टेड टू एंश्योर दैट आई आंसर टू मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन आई नो आई बी आंसरिंग ऑल ऑफ दिस एंड द फर्स्ट थिंग विच इज फ्रॉम माई साइड द एडवाइस फ्रॉम माई साइड इज द स्टेप वन इज एक्सेप्ट दैट यू हैव फेल्ड इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस एंड प्रोमिस योर सेल्फ दैट इन डिसंबर यू गट टू क्लियर द एग्जामिनेशन सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है हम लोग हंड्रेड परसेंट आपके साथ में हैं और रहेंगे पूरा का पूरा नवंबर का मंथ आप बच्चों को डेडिकेट करने वाले हैं तो so, इसमें कोई दो राय नहीं है ठीक है सबसे पहली चीज बेटा जी कि आप अपनी एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस को एनालाइज करिए ऑल ऑफ दीज क्वेश्चन आंसर आई नो मतलब विद द मैसेज आई है इवन इफ आई एम नॉट एबल टू रिप्लाई द मैसेज है यह सब आपके मेजर क्वेरीज हैं जो मुझे अभी तक रिसीव हुए हैं ठीक है ना तो इन सबको मैं एड्रेस करूंगा एंड एल ट्राई कि आज से आपको एक शेप मिलेट यू कैन स्टार्ट अ फ्रेश फॉर योर डिसम्बर अटैप्ट बट एकदम सिंपल तरीके समझिए सबसे पहले दैट स्टॉप डूइंग सर्टन थिंग्स लाइक कंपेरिंग द रिजल्ट कि मैं और मेरे मित्र ने साथ में पढ़ाई की थी उस व्यक्ति का हो गया मेरा नहीं हुआ मैं और हम चार लोगों ने साथ में पढ़ाई की थी उन तीनों का हो गया मेरा नहीं हुआ डोंट डू दैट डोंट डू दैट कोई रेस नहीं है हर एक व्यक्ति का स्टार्टिंग पॉइंट अलग है हर एक व्यक्ति का एंड पॉइंट अलग है इट्स नॉट अ रेस इट्स अ नॉर्मल जर्नी ठीक है तो आप कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते सी एस सी एस सी डब्ल्यू ये कुछ ऐसी फील्ड्स है ना जहां पे सीनियर जूनियर ऐसा कुछ नहीं होता हर अटेम्प्ट में सिनेरियोस बदलता लेट इट गो यू जस्ट सिंपली एक्सेप्ट एक्सेप्टेड आप क्लियर

अगले अटैम्प में दिया, अगले, अगले का का में कुछ बच्चे, बच्चे इंटरमीडिएट दे रहे तो समझो के 15 में, से बच्चे में, आ में से तीन चार बच्चे और फाइनल में आ गए बच्चे चार पांच बच्चे अभी भी दे रहे हैं उसके बाद में कुछ दो तीन अटेंट में जैसे तैसे वो बच्चे फाइनल में आए नाउ अंडरस्टैंड सबका फाइनल अलग 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 समय पर है उन बच्चों ने पहले फाइनल दिया नहीं हुआ जो छह महीने बाद वाले बच्चे थे उन्होंने फिर फाइनल दिया फिर वो उनका नहीं हुआ और जो ये बच्चे इंटर में दो अटेम्प्ट लगाकर आए थे उनका जब फाइनल का अटेम्प्ट आया तब इन सबका साथ में आ गया बिकॉज जो बच्चे पहले इंटर क्लियर हुए थे उनका भी फाइनल का अटेम्प्ट आया था बट वो क्लियर नहीं हुए और जब ये आया तभी जो इंटर में सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर हुआ था व्यक्ति थर्ड अटेम्प्ट में क्लियर होता ये फाइनल फर्स्ट गो में क्लियर होकर पहले सी बन गया वेरी नॉर्मल सिनेरियो वेरी नॉर्मल सिनेरियो इट वेरी फ्रीक्वेंटली है एक्सटेंडिंग डिस्कशन में सीए बन गया है. एक व्यक्ति है ना, वो सीए भी पहले बन गया, और उसके बाद में लगने गया दो साल बाद लेकिन के साथ काम किया है कि वो व्यक्ति जीवन में काफी आगे निकल चुका है एज कम्पेयर टू परसन जो बहुत पहले में सीए बन गया ये डिनोट नहीं करेगी कि जीवन में आप सक्सेसफुल होते हैं या नहीं जीवन में आप आगे बढ़ेंगे या नहीं हंड्रेड ये हो सकता है आपके पहले पे पे कुछ इंपैक्ट रख दे फर्स्ट जॉब पे कुछ इंपैक्ट रख दे बट ऐसा नहीं है कि यही डिफाइन करेगी कि आप जीवन में क्या फेल हो गया अटेम्प लगेगा तो नहीं बर्बाद हो गया ऐसा कुछ नहीं है आई सी अ अट ऑफ सक्सेसफुल पीपल सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट सक्सेसफुल कंपनी सेक्रेटरीज हु प्रोबेबली हैव नॉट प्रोबेबलीयर इन द फर्स्ट गो नो प्रॉब्लम इन दैट वॉट यू टू अंडरस्टैंड इज कि हमें हमेशा मेहनत करती रहनी एंड यू टू ऑलवेज थिंक इनोवेटिव अगर आप इनोवेटिव तरीके से सोच रहे हैं आप मेहनत करने को रेडी हैं यू आप एक फेलियर से बिखरते नहीं हैं आप पेशेंस रखना जानते हैं तो जीवन में आप सक्सेसफुल हंड्रेड परसेंट होने वाले तो डू नॉट बी डिमोटिवेटेड इतना अननेसेसरीली खुद को वो एक कॉर्नर मत करिए कि नहीं सब कुछ खत्म हो गया ऐसा हो गया ऐसा हो गया नहीं इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस आई एम रिपीटिंग इट टाइम एंड अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस ट्रस्ट मी टूमो बिलोंग्स टू यू बस खुद को टूटने नहीं, नहीं देना है ठीक है एंड कोई मैं मोटिवेशनल स्पीच वगैरह नहीं दे रहा हूँ इट इज समथिंग दैट आई मीट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स बाय गॉड्स ग्रेस आई मीट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स ना सो आई हैव सीन ऑल टाइप ऑफ स्टूडेंट्स लेकिन आपने एक ही व्यक्ति है जो कि पास नहीं हो पाएगा वो है जो हार गया खुद से खुद से नहीं हारे हो ना तो हर व्यक्ति मेहनत करने को रेडी हो खुद से नहीं हारे हो हर व्यक्ति ये प्रोफेशनल कोर्सेस क्लियर कर सकता है ओके okay? चलिए आई जस्ट ट्राइन आंसर क्वेरीज ये कौन से क्वेश्चन है जो मुझे बहुत सारे बच्चों ने जो मैसेज किए ना तो उन सके अंदर मैं अगर शॉर्ट लिस्ट करता हूँ तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन जो रिपीटेड तरीके से बच्चों के मैसेज आते हैं तो आई जस्ट ट्राई एन आंसर ऑल ऑफ दीज क्वेश्चन सो दैट विद दीज आंस यू कैन शेप योर स्टडी एंड यू कैन स्टार्ट योर स्टडीज फॉर द नेक्स्ट अटैम्प्ट ओके बेटा जी एंड विद ए स्माइल नाउ स्टार्ट ठीक है बेटा जी हो गया जो होना था विद अ स्माइल स्टार्ट एंड जस्ट ये कोशिश करो कि नहीं सर ये अटैम्प्ट देंगे डिसंबर का जी जान से और डिसंबर अटैम्प्ट के रिजल्ट के दिन सर आपसे आके मिलेंगे एवरी टीचर आएगा ना तब आपके सामने खड़े होंगे नेक्स्ट ग्रुप इन इन टू मंथ क्योंकि अब क्या हुआ है जो व्यक्ति एक ग्रुप क्लियर हुआ है या फिर किसी व्यक्ति ने दोनों ग्रुप दिए थे एक ग्रुप क्लियर हो गया कोई व्यक्ति था जिसने एक ही ग्रुप की प्रिपरेशन की थी और एक ग्रुप क्लियर हो गया उसका क्या ठीक है तो सबसे पहली बात अगर आप बच्चे का पहले एक बार क्लासेस वगैरह हो चुकी है और अभी सेल्फ स्टडी करके दिसंबर देना है हंड्रेड परसेंट डिसंबर अटेम्प दो तो स्किप मत करो यू थिंक सर दो महीने का समय कम है नहीं मोर देन सफिशियंट फॉर सेल्फ स्टडीज मोर देन सफिशियंट फॉर सेल्फ स्टडी ठीक है लेकिन अगर आप ऐसे बच्चे हैं जिसने एक ग्रुप पूरा एग्जाम दिया है अभी तक सेकंड ग्रुप स्टार्ट भी नहीं किया है फिर सेकंड ग्रुप का एग्जाम दिया फर्स्ट ग्रुप स्टार्ट भी नहीं किया है क्लासेस भी नहीं किए आपने कुछ पढ़ाई नहीं है अभी तक तो आप दो महीने में नहीं दे पाएंगे बिकॉज उसमें क्या होता है क्योंकि आपको क्लासेज ही करने में फोर टू फाइव आवर्स लगते हैं मिनिमम मिनिमम फोर टू फाइव आवर्स आपको क्लासेस करने में लगेंगे तो वो असंभव है कि दो महीने में आप क्लासेस करके डिसंबर तो अगर कोई बालक ऐसा है जिसका एक बार क्लासेस हो चुका है सेल्फ करके December आप 100 दे सकते हैं लेकिन एक बालक ऐसा है जिसका नहीं सर बिल्कुल स्क्रैच से ही है, हम तो पे हैं तो उस व्यक्ति के लिए डिसंबर देना काफी मुश्किल है उस व्यक्ति को जून देना होगा बिकॉज आप समझो प्रैक्टिकल नहीं है फोर टू फाइव की क्लासेस आप कर नहीं पाएंगे कोई व्यक्ति अगर ऐसा है कि नहीं मैं ट्राई देना चाहता हूँ सेल्फ स्टडी करके तो दैट इज नॉट रिकमेंडेड बट दैट पर्सन कैन गिव इट ट्राई अगर कर सकता है बिकॉज देन उसके पास में जनवरी टू जून का समय होगा फिर एक ग्रुप प्रिपेयर करने के लिए इफ द पर्सन डज नॉट क्लियर इट इज ओके इफ इट ऑल यू वॉन्ट टू डू दैट बट दैट इज नॉट रिकमेंडेड बिकॉज अ फ्यू स्टूडेंट्स केम टू मी कि सर हमारा एक ग्रुप हो गया दूसरे ग्रुप की तैयारी बिल्कुल नहीं है बट हम एक बार दिसंबर में ट्राई करना चाहते हैं फिर जून के लिए अच्छे से तैयारी करेंगे दैट इज नॉट रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड बट अगर कोई व्यक्ति बहुत ही अडिग है वो चाहता है कि नहीं मेरे को ऐसा करना है कर सकता है बट देन जनवरी से आपने रिलीजियसली स्टार्ट करना होगा दिया नहीं हुआ है। तो हंड्रेड परसेंट डिसम्बर में तो आप हंड्रेड परसेंट यूल सेल थ्रूल हंड्रेड परसेंट सेल थ्रू बिकॉज टू मंथ मोर देन सफिशियंट फॉर सेल्फ स्टडी ठीक है अब आता है दूसरा सवाल बेटा जी आई फील बुद्ध ग्रुप आई राइट बोथ इन डिसम्बर यारो, इस का मैं एक नहीं दे सकता कि आप व्यक्ति ने दोनों ग्रुप दिए थे और try, कि दोनों ग्रुप ही आप डिसंबर में देने की कोशिश करिए अगर आपको लगता है कि नहीं एक ग्रुप में तो आपके काफी ही कम है, मतलब 200 पासिंग था और आपके कुछ 115 120 आए हैं मार्क्स से भी हम जज नहीं कर सकते लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मेरी प्रिपरेशन काफी कम थी तो हंड्रेड परसेंट बोध ग्रुप दोबर में आप निकालोगे टू मंथ में आई थिंक आपका अप्रोक्स का टाइम होगा दैट इज एक्चुअली सफिशियंट फॉर बौद्ध ग्रुप बुद्ध ग्रुप के लिए भी सफिशियंट अगर आप जी जान लगा दो इतना आसान नहीं होगा मुश्किल होगा बट आई वुड सजेस्ट यू गो फॉर बोध ग्रुप्स अगर आपके

नेक्स्ट इज हाउ डू हाँ ये हर एक बालक का क्वेश्चन था हाफ ऑफ द स्टूडेंट से पूछ रहे हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर अमेंडमेंट्स बेटा जी आपको विचार करना ही नहीं है सी एस एक्जीक्यूटिव एज वेल एज सी एस प्रोफेशनल स्टूडेंट आपके जो भी अमेंडमेंट्स आएंगे एमसीएस में जो एडिशनल केसेस आ रहे हैं जो भी चीज आती है हंड्रेड परसेंट हम लोग कवर कराने वाले हैं यू डोंट हैव टू वरी बस इफ यू स कब कवर कराएंगे तो द डेट हैज नॉट येट बीन डिसाइडेड प्रोबेबली पोस्ट दिवाली इमीडिएटली हो जाएगा वो स्टार्ट सेशंस लेकिन 100 पर्सेंट यू कैन रिलाय ऑन अमेंडमेंट्स अमेंडमेंट्स का इतना लोड मतलब क्या दो तीन घंटे के अमेंडमेंट्स होते हैं मस्ती में हो जाएंगे डोंट वरी अबाउट द अमेंडमेंट्स ठीक है ना तो अमेंडमेंट्स हार्डली सिक्स सेवन के होते हैं नॉर्मली तो टू थ्री आवर्स में कवर हो सकते हैं एक सब्जेक्ट के सो डोंट वरी अबाउट द अमेंडमेंट्स यू ट्राई एंड स्टार्ट स्टारिंग फ्रॉम योर एक्जिस्टिंग कंटेंट अमेंडमेंट्स माइनर से होते हैं कंफर्टेबली मैनेजेबल होता है राइट नाउ यू स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम योर रेगुलर कंटेंट अमेंडमेंट थोड़े ज्यादा भी होंगे चिंता मत करो जो भी अमेंडमेंट होंगे वो हम कवर करेंगे के लिए. जी? अब एक बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है है? मैंने तो बहुत अच्छे से लिखा था बट मार्क्स नहीं है क्या करना है आपने प्रिपरेशन तो शुरू कर देनी है बट कॉपीज के लिए अप्लाई कर देना है कॉपीज अपलाई कर दो तो, कॉपीज के अप्लाई करने के लिए आई थिंक दो तरीके होते हैं एक आप अप्लाई कर सकते हैं इंस्टीट्यूट के रेगुलर तरीके से एक आप अप्लाई कर सकते हैं आरटीआई के तरीके से आरटीआई का तरीका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है बट आई थिंक यू गेट योर कॉपीज एट अ वेरी चीपर प्राइस ठीक है तो आप आरटीआई से वैसे आप यूट्यूब भी करोगे ना हाउ टू अप्लाई कॉपीज थ्रू आरटीआई तो आपको ऑप्शन तरीका मिल जाएगा कॉपीज के लिए अप्लाई करिए एंड जीजान से पढ़ाई शुरू कर दीजिए ये मत सोचिए कि जब कॉपीज मेरे हाथ में आएंगी उसके बाद में पढ़ाई शुरू करूंगा वो बेवकूफी है इफ यू थिंक इन दिस डायरेक्शन जब कॉपीज आएंगी फिर पढ़ाई करेंगे बेवकूफी। do do right जब कॉपीज हाथ में आएंगी तब समझ में आएगा कि हमें किन क्वेश्चन में मार्क्स नहीं मिले किस तरह से हम आंसर लिखते हैं तो मार्क्स अच्छे मिलते हैं सो दैट दैट विल बी इनकॉर्पोरेट इन योर प्लानिंग एस टू हाउ टू राइट एक्सामिनेशन का लिखते समय आपको इनकॉपोरेट कर पाएंगे कि इस तरह से लिखो तो अप्लाई फॉर कॉपीजिल हेल्प यू बट डू नॉट स्टॉप योर प्रेपरेशन अभी कि जब कॉपीज आई तब तैयारी शुरू करेंगे Don't do that. Start your preparation immediately. Okay? एक बालक का क्वेश्चन आता है हाउ टू स्कोर गुड एन ओपन बुक एग्जामिने के सी एस प्रोफेशनल में ओपन बुक एग्जामिनेशन उसमें कैसा स्कोर अच्छे से करना है देखो सुनो

बिल्कुल गलत थे वो आपके सिलेबस सिलेबस के के बाहर दो थे, ने लास्ट में उन केसेस को से कट करवाया था मॉड्यूल रिवाइज कराई गई थी और वो ओल्ड मॉड्यूल केसेस थे उसमें वो केसेस नहीं थे फिर भी इंस्टीट्यूट ने पूछा वी क्लियरली शोज के उन दोनों क्वेश्चन उन्होंने मार्क्स नहीं दिए इज़ दैट राइट नो दैट इज़ रॉन्ग दैट इज सर्टनली रॉन्ग एंड लेट्स हाउ दैट कैन भी फॉलो ओवर लेकिन फॉर दर टाइमिंग आपकी प्रिपरेशन के लिए मैं ये सजेस्ट करता हूँ आपको दैट आप यू शूड नॉट लीव एनी थिंग

ओपन बुक एक्जामिनेशन आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको थोड़ा सा उस टाइम पे प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करना ही होगा क्लियर है बाकी स्टूडेंट है ओपन बुक के अंदर समझ नहीं आता है क्या करें यू टू एंश्योर That आप अच्छे से 40 marks की एक मैराथ में छत घंटों में, 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 में करूंगा तो हमारा जो मैं डिस्कशन करता हूँ इंटरप्रटेशन करता हूँ वो सब नहीं करूंगा सीधा केस और उसमें क्या हेल्ड होता है बताऊंगा बट आपके मैराथन में एक एक केस डिसंबर के लिए एक और सजेशन में दूंगा कुछ चीजें क्वेश्चन में कवर नहीं हुई मैं कवर करूंगा सर हमें क्या कभी ऑप्शनल सब्जेक्ट चेंज करना चाहिए क्या नेवर डू दैट एक बच्चे क्या गलती करते हैं कि एक अटैप्ट में इस ऑप्शन में अच्छे मार्क्स आए और यार उस पिछले अटैप्ट में उसमें do मतलब तो अच्छा है तो हम स्विच कर लेते हैं डोंट डू दैट जो आपका ऑप्शन बना के रखो मतलब आपका अगर आईबीसी ऑप्शनल है तो स्विच करके सर इसमें आईबीसी में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो हम सबको सजेस्ट करते हैं आप आईबीसी ले लो नो डोंट डू दैट आईपीआर है आईपीआर से हम आईबीसी ले लेते हैं हम लेबर लॉ से आईबीसी ले लेते हैं हम आईबीसी से लेबर लॉ लेते हैं डू नॉट स्विच इट हर एक अटेम्प्ट में स्कोरिंग सब्जेक्ट को चेंज करते रहते हैं किसी अटेम्प्ट में वो आईबीसी में अच्छे देते हैं किसी में वो लेबर लॉ में अच्छे देंगे हमेशा वो चेंज करते रहेंगे सो डोंट डू दैट यू स्टिक टू योर ओन ऑप्शनल नो ऑप्शनल इज डिफिकल्ट कि उसमें आप ऑप्शन ला सकें सकेंट लाया जा सकता है यू यू टू टू जस्ट बी स्मार्ट कि आप हंड्रेड मार्क्स का पेपर लिख कर रहे कि आप हंड्रेड मार्क्स का पेपर लिख कर बेटा जी तो आपको स्विचिंग नहीं करनी है ऑप्शनल में डोंट डू दैट डोंट डू दैट एंड अलॉट ऑफ पीपल कम ऑन टू दिस कि नहीं सर एक काम करते ना कि हम अभी स्विच करके आईबीसी ले लेते हैं नो डोंट डू दैट

मैं सीएस को ऐसा सिलेबस ऐसा करिकुलम ऐसा कोर्स नहीं समझता जो एक व्यक्ति के लिए डुएबल ना हो मैं सीएस को ऐसा कोर्स नहीं समझता जो एक व्यक्ति के लिए डुएबल ना हो द प्रॉब्लम इज के प्रोबेबली सम और द अदर रॉन्ग थिंग मस्ट हैव हैपन कुछ ना कुछ तो गलत होगा आपका माइंडसेट गलत होगा या कुछ ना कुछ सर्कमसेंसेज गलत होंगे पढ़ाई करने का तरीका गलत होगा इफ यू करेक्ट दोस्त देन यू कैन हंड्रेड परसेंट ट थ्रू एनी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन सी एस सी एस सी डब्ल्यू में नहीं मानता कि कोई व्यक्ति कह सकते नहीं हो ही नहीं सकता ऐसा नहीं है दीज आर ऑल डूएबल द प्रॉब्लम इज जस्ट समथिंग रॉन्ग इन योर अप्रोच यू टू आइडेंटिफाई दैट रॉन्ग मतलब वीड इट आउट एंड देन वर्क इट आउट हंड्रेड परसेंट टू क्लियर कुछ ना कुछ आप गलत कर रहे हैं और वो सीखने के लिए एक सब बच्चों को मेरा सजेशन होगा जो जो बच्चे ऐसे हैं जिनका अटेंट लगाना डू राइट अ टेस्ट सीरीज टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए टेस्ट सीरीज से रात दिन का डिफरेंस क्रिएट होता है अब आपका सवाल होगा सर कौन सी टेस्ट सीरीज आपको जहां ज्वाइन करना है करिए आपको जहां आपके लोकल सिटी में टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है करिए आपको जहां टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है करिए बट एनश्योर दैट यू राइट अ टेस्ट सीरीज टेस्ट सीरीज आपके लिए रेडिकल डिफरेंस क्रिएट कर सकता है एग्जामिनेशन में ठीक है आई सी अलॉट ऑफ स्टूडेंट्स था कि हमारे सब्जेक्ट के साथ भी जो टेस्ट सीरीज है तो बच्चे नहीं लिख रहे नहीं नहीं लिख नहीं रहे ले लिया बट लिख नहीं रहे डोंट डू दैट टेक टेस्ट सीरीज वेरी 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 सीरियसली

टू एग्जॉस्टिवली कवर दीज पॉइंट्स इसके अलावा कोई भी चीज कोई भी चीज अगर आपको लगता है ना कि सर इसके अलावा एक और बहुत फ्रीक्वेंटली आप क्वेश्चन जो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में है वो भी आप पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एकदम विथ एकदम ड्यू तरीके से उसको पोस्ट कर दो डोंट अननेसेसरी बी एंग्री अब इट के सर आपने कवर नहीं किया यू टू अंडरस्टैंड यूर ऑल्सो ह्यूम रिसिविंग सिक्स हंड्रेड मैसेजेस सो इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल कि मैं सेशन में वो सारी चीजें कवर कर लूँ मैंने ये वो चीजें कवर करने की कोशिश की जो मेजोरिटी बच्चे पूछ रहे थे मेजोरिटी बच्चे ये चीज पूछ रहे थे आई होप दैट दिस वुड रियली हेल्प यू टू शेप योर स्टडीज आपको लगता है कि कोई और मेजर सिनारियो है जो कवर नहीं हुआ इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में डालिए आई विल ट्राई कि जब मैं नेक्स्ट ऐसा वीडियो बनाऊंगा तब मैं हंड्रेड परसेंट उस चीज को इंकारपोरेट करूँ यू टू अंडरस्टैंड वन थिंग वी आर हियर बिकॉज ऑफ यू

चीज़ें मुश्किल हो सकती है कोविड ने चीज़ें आपके लिए हो सकता है मुश्किल बनाई हो, हो सकता है आपके पर्सनल लाइफ में कुछ चीज़ें मुश्किल हो, हो सकता है आपके पेरेंट्स को लेकर कुछ प्रॉब्लम हो, हो सकता है पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो बट यू टू अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट द शो मस्ट गो ऑन फॉर दैट मैटर इवन विद द सेम गर्ल आई एम टॉकउट ए आर वन की मैं बात करता हूँ ये टू सेपरेट व्यक्ति लेडी की बात करता हूँ इंदौर अभी आर वन हुज फ्रॉम भोपाल उनकी मैं बात करूँ ना तो उनके फर्स्ट एग्जाम के बाद में कुछ उनका उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी मतलब उनका ब्लड लेवल ऐसा हुआ था दैट शी हैड टू बी हॉस्पिटलाइड बट शी इंश्योर नो आई हैव टू राइट द एग्जाम ऑन एनी कॉस्ट आई एम नॉट सेइंग दैट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर हेल्थ आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू दैट इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट हैपेंस द शो मस्ट गो ऑन तो मैं समझ सकता हूं कि सिचुएशन कठिन होगी अभी आपके लिए सिचुएशन और मुश्किल होगी हो सकता है ये रिजल्ट को ऑब्जॉर्व करके आगे पढ़ाई करना मुश्किल होगा बट जी जान लगा रहा हूं और दिसंबर के बाद में जब रिजल्ट आएगा ना उसका ट्वेंटी फोर्थ ऑफ फरवरी को तब आप ये सोचिएगा कि क्या बेहतरीन कर सकते हो तब आप सोचेगा कि हाँ यार बुरा लगा था पर अब मजा आ गया तब आप सोचिएगा अभी right do do आप ऐसा प्रोकैसिनेट कर रहे हैं अब मैं ऐसा कर लूंगा अब मैं ऐसा कर लूंगा डोंट डू दैट टेक काम एक्सेप्ट दैट यू हैव फेल्ड देर आर सर्टन शॉर्टकमिंग्स कुछ चीजें जिसमें आपको काम करना होगा एंड स्टार्ट वर्किंग हार्ड ओके आई ट्राई एंड ऑलवेज बी देर जहां जहां पर मैं 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 आपकी कुछ भी मदद कर सकता हूँ आई ट्राई एंड डू दैट आई विल आई हंड्रेड परसेंट अशोर यू के दिन मंथ ऑफ नवंबर आई वी अवेलेबल फॉर यू पीपल आई एल बी आई एन श्योर दै आई कम अप विद द बेस्ट क्वालिटी रिविजन फार यू पील आई आई श्योर दट आई कम अप विद द बेस्ट क्वालिटी अमेंडमेंट लेक्चर्स फॉर यू पीपल इट गोज से आप लोग जी जान से पढ़ाई शुरू करो ठीक है ना डो नॉट वेस्ट लॉट ऑफ टाइम कि ये होने देते हैं वो फेस्टिवल होने देते हैं नेक्स्ट फेस्टिवल डो दैट do 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 एक आधे दिन का ब्रेक लो

जीवन में ये उतार-चढ़ाव चलता रहेगा लेकिन इस प्रकार से भिड़ो कि आज से पांच साल बाद आप ये बोल सको कि यार एक आता अटेम्प्ट लगाता कोई बात नहीं पता नहीं उस टाइम पे क्यों परेशान हो रहा था और अब देखो क्या जबरदस्त काम कर रहा यू हैव टू फाइट इट अप फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ यू हैव टू फाइट इट अप ओके आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई विल सी पीपल फॉर अनदर सेशन वेरी सून बाय बाय